आगामी लोकसभा चुनाव को देखते हुए सभी पार्टी समा बांधने में जुटे हुए हैं। ऐसे में बीते गुरुवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी छत्तीसगढ़ के कांकेर जिले में चुनावी रैली को संबोधित कर रहे थे। इसी बीच सभा को संबोधित करने के दौरान पीएम मोदी ने सभा मंच से एक 10 साल की बच्ची के हाथ में अपनी तस्वीर देखी, जिसके बाद पीएम ने बच्ची की खूब तारीफ की। पीएम मोदी ने मौके पर मौजूद सुरक्षा कर्मियों से बच्ची के हाथ से तस्वीर लेकर उसके पीछे बच्ची के घर का पता लिखकर उन्हें देने को कहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि वो बच्ची को चिट्ठी जरूर लिखेंगे और उन्होंने अपने इस वादे को पूरा भी किया। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांकेर की बेटी से किया हुआ वादा निभाया। कांकेर के कार्यक्रम में स्केच लेकर आई बेटी आकांक्षा ठाकुर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पत्र लिखकर धन्यवाद दिया। पत्र में पीएम मोदी ने लिखा कि प्रिय आकांक्षा, शुभाशीष और आशीर्वाद, कांकेर के कार्यक्रम में आप जो स्केच लेकर आई थी वो मुझ तक पहुंच गया है। इस स्नेहपूर्ण अभिव्यक्ति के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वही आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रैली के दौरान बच्ची से कहा कि बेटी, मैंने तस्वीर देखी है, आपने अविश्वसनीय रूप से अच्छा प्रदर्शन किया है, तुम्हें मेरा आशीर्वाद है। हालांकि आप थक जाएंगी, आप काफी देर से खड़ी हैं, आपको बैठ जाना चाहिए। मैं पुलिस कर्मियों से अनुरोध करता हूँ कि वो छोटी लड़की से स्केच ले लें और ये स्केच मुझ तक पहुँच जाएगी, उस पर अपना पता और नाम लिख दो, मैं तुम्हें एक चिट्ठी अवश्य लिखूंगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कहने के बाद वहां मौजूद पुलिसकर्मियों ने बच्ची का नाम और पता नोट कर लिया और उसे स्केच दे दिया। वही आपको बता दें कि कांकेर ऐसी जगह है जहां कांग्रेस का दबदबा माना जाता है। कांकेर जिले की तीनों सीट समेत कांकेर लोकसभा की सभी 8 सीट पर कांग्रेस का कब्जा है। ऐसे में पीएम मोदी की कांकेर में चुनावी सभा बीजेपी के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण मानी जा रही है।